इस समय देश में सबसे ज्यादा बात गौतम अडानी की हो रही है। कुछ ही दिनों में अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी से 20वें नंबर से भी नीचे पहुंच गए हैं। अडानी किसके मित्र हैं? क्या अडानी को अमीर नरेंद्र मोदी ने बनाया या असली कहानी कुछ और ही है? अरबपति अडानी पहले भी दो बार ऐसे ही गंभीर संकट में फंसे थे। उस बार अडानी को किसने बचाया था? वैसे तो अडानी की स्टोरी में सेबी, शेयर बाजार, शेयर के उतार चढ़ाव जैसे ही टेक्निकल पहलू हैं, लेकिन क्या अब सब कुछ सिर्फ टेक्निकल ही रह गया है या मसला पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया है? अडानी विवाद को ठीक से सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। आपको ये रिपोर्ट पूरी देखनी चाहिए, फिर पूरी कहानी आपको समझ आएगी। एक गौतम अडानी और तीन अलग अलग कहानी। कहानी के लेखक कौन, प्रोड्यूसर कौन, डायरेक्टर कौन? कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्क्रिप्ट क्या? दोस्त मित्र वाली कहानी, परम मित्र की कहानी, प्राइम मेंटोर वाली वाणी। अडानी के नाम पर कौन क्या नैरेटिव बनाना चाहता है? कांग्रेस यही साबित करने में लगी है कि अडानी तो मोदी के सबसे करीबी हैं। सवाल, क्या सच में नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं अडानी? जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा। दुनिया के तीन बड़े अखबार, तीन बड़ी मैगजीन्स, तीन बड़ी न्यूज एजेंसीज, तीनों की हेडलाइन क्या? पहली हेडलाइन ये, अडानी पर कॉरपोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े घोटाले का आरोप। दूसरी हेडलाइन ये, भारत का सबसे पावरफुल शख्स हार गया। तीसरी हेडलाइन ये, अडानी अफेयर मोदी के इंडिया पर भारी पड़ गया। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर के पन्नों पर क्या सोच का लिखा? मोदी और अडानी, अ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, मंशा क्या, इरादा क्या? राइटर्स ने ये क्यों छापा कि अडानी से नजदीकियों की वजह से मोदी विपक्ष के टारगेट पर? टाइम मैगजीन ने अडानी को मोदी सरकार से क्यों जोड़ा, वजह क्या? अलग अलग बैनर, अलग अलग नैरेटिव। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म गोल है अडानी को नुकसान पहुंचा, उन्हीं लोगों का लॉन्ग टर्म गोल है मोदी को कुर्सी से हटा। मोदी और अडानी की तस्वीर के साथ फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल का पहला शब्द होता है कि गौतम अडानी इसराइल के पीएम से हाथ मिलाते, और आर्टिकल के बीच में मोदी के नाम वाला टेक्स्ट चिपका दिया जाता है। कहां क्या छप रहा है, क्या पक रहा है, कौन कैसा ट्विस्ट दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, मोदी अडानी को लेकर कौन कितना सच कह रहा है? टाइम मैगजीन, इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में अडानी के दिए बयान को कोट कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स पर इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत का जिक्र हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। दीदी की पार्टी से जुड़ी नेता विदेशी अखबारों की कटिंग का वो हिस्सा अपनी टाइमलाइन पर चिपका रही है जिसमें मोदी और अडानी का नाम फिट किया गया है। कांग्रेस 48 घंटों से यही माहौल बना रही है कि राहुल ने तो पहले ही कहा था, पहले ही चेताया था। हर घंटे नई नई कहानियां बन रही हैं। टारगेट पर अडानी नहीं, नरेंद्र मोदी ही है। ये पूरी स्क्रिप्ट राहुल से शुरू हुई और धीरे धीरे 16 पार्टियां इकट्ठा हो गई। भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल के साथ गिन के 10 पार्टियां नहीं थी, लेकिन अडानी का नाम आते ही सबके सब साथ आ गए। तो क्या इन सब के कॉमन दुश्मन अडानी है और उसके पीछे मोदी विरोध की कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अडानी पर बड़ी खबर क्या है ये समझ लीजिए। आरबीआई कह रहा है अडानी ग्रुप के उतार चढ़ाव से देश के बैंकिंग सेक्टर को कोई खतरा नहीं है। वित्त सचिव कह रहे हैं अडानी समूह में LIC, SBI का बहुत कम पैसा लगा है, चिंता की कोई बात नहीं है। LIC ने कहा है कि उसने अडानी ग्रुप में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं बेची। वित्त मंत्री कह रही हैं कि अडानी ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस लेने से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों में ही 8 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। एयर इंडिया टाटा को बेच दिया तो कोई शिकायत नहीं कर रहा, जब अडानी को बेचते हैं, जब अंबानी को बेचते हैं तो उनकी शिकायत होती है। ये सारा का सारा काम अंबानी अडानी को बनाने के लिए किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लू रही हूं, नाम नहीं ले रही। ये बुलाकर देने वाले काम मोदी जी नहीं करते,
ओपन टेंडर में, ग्लोबल टेंडर में जो आते हैं उनको इतना कंडीशन फुलफिल करने के बाद मिलता है। मगर इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, केरल में एक पोर्ट, सी पोर्ट बनाने के लिए बुला करके, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, एक कंपनी, बड़ा कंपनी में उनको बुला करके, भाई साहब आप प्लीज लो ये पोर्ट बनाओ, ये कांग्रेस का काम था, ठीक है वो दे दिया। राजस्थान में भी ऐसे जमीन दे दिया कांग्रेस के सरकार ने उसी भाई साहब को। उसके बाद कम्युनिस्ट चुनाव जीत करके केरल में सरकार बनाया, वो भी उनको बोला भाई छोड़कर नहीं जाना, आप ही करो, आप ही बना दो इस पोर्ट को। मगर बाहर आकर के इतना कठोर शब्द में बोलते हैं ये इन दोनों को ही आप फेवर कर रहे हो। अरे जाकर उनको हटा दो जी, आपके कम्युनिस्ट भैया कोई है तो उनको दे दो, क्यों नहीं हटा रही हो? बुला करके जैसे घर में हल्दी कुमकुम देते महिला को, ऐसे प्लेटफॉर्म में रख के दिए। ये देने वाले काम उनका है, मोदी जी का नहीं। जिन भाई साहब को केरल में दिया, जिन भाई साहब को राजस्थान में दिया, आजकल उन भाई साहब की थोड़ी हालत खराब है। पूरे देश में सिर्फ गौतम अडानी की चर्चा है कि कितना नुकसान उनका हो गया, उनकी वजह से पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो उसमें कुछ सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? एक कंपनी का विषय है भाई, रेगुलेटर्स हैं वो देख रहे हैं। और पार्लियामेंट में रोज सवाल उठ रहे हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल रही। और इल्जाम ये है कि LIC और SBI दो सरकारी कंपनियां हैं जहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोन अडानी को दिया था, क्या वो लोन डूब जाएगा? क्या LIC को और SBI को नुकसान होगा? क्या ये पब्लिक के पैसे का नुकसान होगा? मैं सिर्फ SBI और LIC का, उनके अपने ही स्टेटमेंट पिछले दो दिन में वो दोनों ने आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट के ही विषय बोल रही हूँ। वो स्पष्ट बोले कि हमारे एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है और हम अभी भी प्रॉफिट के ऊपर ही बैठे हैं इस विषयों में, उनका ही बयान है, मैं क्या उसमें जोड़ूं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि SBI और LIC के जितने दफ्तर हैं देश भर में, वहां जाकर कि कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष में करना पड़ता है, करेंगे। और पार्लियामेंट में कहते हैं कि सरकार इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही क्योंकि इस सवाल पर अडानी के मामले में जवाब देना पड़ेगा सरकार को। मगर हर विषय में वही रास्ता अपना रहे हैं वो लोग। सरकार कह रही है सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है, इस मामले से डायरेक्टली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो एक स्टेप आगे जाकर ये तक कह रही है कि हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है। वित्त मंत्री ने और क्या क्या कहा है, पूरी बात आपकी अदालत में आप आज रात 10 बजे देख सकते हैं। लेकिन पैनिक क्रिएट करने वाले अभी भी अटैकिंग है, थोड़ी थोड़ी देर में कभी अंग्रेजी तो कभी हिंदी में मोदी और अडानी वाले पोस्टर्स घुमाए जा रहे हैं। सर्किल करके, जूम करके, एरो लगाकर, ट्वीट करके अडानी के साथ मोदी की पुरानी तस्वीरों को वायरल कराया जा रहा है। विदेशी अखबार ये एजेंडा चलाने लगे कि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत के लिए ये बड़ा झटका है। ये तक फैलाया जा रहा है कि भारत की इमर्जिंग मार्केट वाली छवि को ठेस पहुंची है। मोदी का नाम फिट करके ये तक कहा जा रहा है कि अडानी पर लगे आरोप मोदी के लिए एम्बेरसिंग यानी परेशान करने वाले हैं। पैनिक का माहौल बने इसके लिए ये टैक्स भी फिट किया जा रहा है कि अडानी के लिए अब दोबारा खड़ा हो पाना मुश्किल है। तो क्या अडानी संभल नहीं पाएंगे? क्या अडानी का बिजनेस खत्म हो जाएगा? क्या अडानी पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है कि वो संभल ही नहीं पाएंगे? जवाब है नहीं। अडानी की लाइफ में इससे पहले दो बहुत बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। 25 साल पहले अडानी को गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया था। 15 साल पहले 26/11 आतंकी हमलों में अडानी की जान खतरे में पड़ गई थी। वो आतंकियों से चंद फीट की दूरी पर थे, जान जा सकती थी, लेकिन दोनों ही मौकों पर किस्मत ने अडानी का साथ दिया। अब आपकी एक दो मुश्किलों की बात करना चाहता हूं। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था,
पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं जिसको भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा होता है। मैंने सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको ठीक कर देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर लो, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके वो उसको कंटिन्यूसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत नहीं है। जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन शाम रात को भी मैं अच्छी तरह से सोया था, तो मेरे को कभी वो प्रेशर नहीं आया था। एक बार और आपने मौत का सामना किया 26/11 के दिन, जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है? पूरा याद है, और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और मैं तो ये भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे दो हिस्से देखे कि जहाँ मैंने मौत बहुत नज़दीक से देखा था, और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया था। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं, आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पॉट वर्ल्ड के सीईओ, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में, और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ, उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे, और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता, और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। पूरी रात में वहाँ फंसा था, उस ताज होटल के कर्मचारियों ने मेरे को ऊपर के कमरे में उनके पीछे के रास्ते से किचन की साइड से ऊपर चैम्बर में लेके गए थे, पूरी रात वहाँ पे था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो ये कमांडो ने वहाँ से हमको पूरा प्रोटेक्शन देके होटल से बाहर निकाला था, और ऐसे दूसरे दिन सुबह में करीब 7:30-8 बजे में निकला था। लेकिन अडानी की सबसे बड़ी क्राइसिस इस वक्त है। अडानी को शेयर बाजार और निवेशकों का भरोसा भी जीतना है और मोदी विरोधी विपक्षी मोर्चे के हमले को भी झेलना है, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अडानी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये एक फेज है, और फिलहाल जो खतरा मंडरा रहा है वो ग्राउंड लेवल पर उतना बड़ा नहीं है। देर सवेर अडानी इस खतरे से भी उबर जाएंगे, पटरी पर लौट आएंगे। मगर भारत में मौजूद विपक्ष के कुछ नेता लगातार अडानी के साथ मोदी का नाम फिट करके हिट जॉब किए जा रहे हैं, हर घंटे स्कैम स्कैम वाला स्लोगन दिए जा रहे हैं। अडानी और मोदी दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। बतौर सीएम मोदी की लीडरशिप में जब देश ने गुजरात मॉडल का जिक्र पहली बार सुना, उस वक्त गुजरात के ग्रोथ के इंजन को चलाने वालों में कई सारे उद्योगपति भी थे, अडानी भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन मोदी से पहले भी कोई था जिसने अडानी को गौतम अडानी बनाने में अहम रोल अदा किया, और वो कोई बीजेपी का नेता या मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मेरी लाइफ का देखता हूं तो जो ब्रेक मेरे को मिला वो पहले राजीव गांधी की सरकार ने दिया, जिससे हम ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बन पाए। दूसरा ब्रेक मिला मेरे को जिसके वजह से नरसिंह राव की जी की सरकार थी और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के ऊपर आगे बढ़ा और एक देश को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन की नई दिशा दिखाई। और तीसरा मेरे को केसुबी की गवर्नमेंट ने मिला। आपकी बात सही है कि मोदी जी ने भी वो टाइम पे, क्योंकि मोदी जी 12 साल के लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, और मैं गर्व से आज बोल सकता हूँ कि हमको बहुत एक अच्छा अनुभव
मोदी सरकार में भी हुआ, जो भी सरकार थी उससे उसने आपको मदद किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। श्री रजत भाई, मैं आपको बताऊं कि ये अदानी ग्रुप का अनुभव नहीं है, गुजरात में जो जो उद्योगपति है सबका सेम अनुभव है, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट आज से नहीं, इवन माधव सिंह के टाइम से भी और उसके पहले से भी, वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है। तो जो भी नीतियाँ बनती है वो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्शन करने के लिए बना है। जहाँ तक अडानी के बिजनेस एम्पायर की बात है, तो वो भारत के 22 राज्यों में बिजनेस करते हैं और इनमें सारे बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अपने राज्यों में अडानी का बिजनेस सेटअप लगवाया है। इन दोनों ही लोकेशंस पर कांग्रेस की सरकारें हैं। राहुल गांधी आलोचना करते हैं और आप राजस्थान में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार में अशोक गहलोत के लिए 68,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। राजस्थान में जो पोटेंशियल है, और नॉट राजस्थान, जो जो स्टेट के अंदर जो जो पोटेंशियल है, वो उसके लिए अदानी ग्रुप डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। लेकिन गौतम भाई, इंप्रेशन तो ये है आप सिर्फ वहां इन्वेस्ट करते हो जहां मोदी जी की सरकार है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज हम अदानी ग्रुप इज रियली हैप्पी कि हम आज 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। हमको कोई एक भी सरकार के साथ में ऐसी शिकायत नहीं है कि जहाँ हमको मदद नहीं। मैंने फिगर्स निकाले, आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़, उड़ीसा में 57,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं मोदी अडानी का चौकीदार है। लोग कहते हैं कि मोदी ने अडानी को बनाया। देखो, ये बहुत कम लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट करते हैं जो जिनको मोदी जी से डिफिकल्टी है या आइडियोलॉजिकल मारामारी है। अडानी ममता बनर्जी के साथ भी दिखते, शरद पवार के साथ भी दिखते, अशोक गहलोत के साथ भी उठते बैठते, मगर इस वक्त इनमें से हर कोई अडानी का ही विरोधी है, मोदी का ही विरोधी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।